हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपको पहले मौसम दिखा देती हूँ, कितना अजीब मौसम है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखो, मिट्टी की खुशबू आ रही है कहीं से, जैसे धूल नहीं उड़ रही होती वैसी वैसी खुशबू आ रही है। और सामने पहाड़ी भी नज़र नहीं आ रही, आसमान भी देखो कितना फेड है, कुछ अजीब हो रहा है। पंजाब में भी कल परसों जब आंधी आई तो मिट्टी उड़ी थी, और यहाँ पे भी ऐसा ही फील हो रहा है। अजीब ही लग रहा है देख के, मुझे तो फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला सब जानते हैं। अब जिसने जाना था वो चला गया, बाद में उठ के ये इंसान कुछ और बोल रहा है, वो इंसान कुछ और बोल रहा है। अब तो जितने मुंह उतनी बातें कि मैंने वो किया, उसने वो किया था। कोई भी इल्ज़ाम आप लगा सकते हो, क्यों इंसान खुद अपना स्टैंड लेके बोल सकता है कि मैंने ये नहीं किया? वो इंसान है ही नहीं एक्चुअली में इस दुनिया में, जो अपना स्टैंड खुद ले सकता है। जब वो है ही नहीं तो आप लाखों बातें, हज़ारों बातें बोलो कि उसने ऐसा किया था हमने इसलिए ऐसा कर दिया, उसने वैसा किया था हमने इसलिए वैसा किया। तो आप जो मर्जी बोलते रहो, जाने वाला चला गया है और जो भी था उसको पता था क्या सच्चाई थी। और एक ही इंसान होता है जिसे सच्चाई पता होती है, और उस इंसान से लोग डरते हैं, इसीलिए सोचते हैं कि इसको ख़त्म ही कर दो। हम 10 लोगों की सच्चाई ये एक इंसान जानता है तो उसको ख़त्म कर दो। यही सब चल रहा है दुनिया में। मेरे साथ, खुद के साथ ऐसा होता है कि इसीलिए लोग बीच में कई लोग नहीं मिलते या मिलने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सच्चाई ये जानती है, और अगर मिलेगी तो 10 लोगों को और बताएगी। हालांकि मैंने कभी बोला नहीं है किसी को, बट होता ऐसा ही है, ये दुनिया ऐसी ही है चल रही है फिलहाल। बुरी और बुरे लोगों की, जो घटिया काम करते हैं उन लोगों की है ये दुनिया, सच्चे लोगों की यहाँ पर कोई कदर नहीं है। आप जितना मर्जी खुद को साबित कर लो, लेकिन आपको झूठा ही साबित करके चैन आती है इन लोगों को। अब जितना मर्जी सच बोल लो, लेकिन आप पर कोई भरोसा नहीं करता। मेन बात तो यही है कि जाने वाला चला गया, बोलते रहो, उनके बोलने से कुछ भी नहीं होगा। अब चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अब मैं किचन में हूँ, और किचन में मैंने बनाई है घिया और चने की दाल, और यहाँ बनाई की चपाती, और यहाँ लगेगा दाल को तड़का। दिस इज माई लेजेंडरी कढ़ाई, देखो 19 साल से ये मेरे पास है और काली है। एक लेजेंडरी कढ़ाई ऊपर पड़ी है, ये ब्लू डब्बे के ऊपर, उसमें मैं तलने वाली चीजें तलती हूँ, पकौड़े वगैरह कोफ्ते उसमें तलते हैं। मैं खुद कितनी टैलेंटेड हूँ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी, खाना अपन का बन गया है, और ये देखो कपड़े सूख रहे हैं, ऑलमोस्ट सूख गए हैं, और देखो हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। देखो इधर, मुझे लगता है आंधी तूफान आएगा जैसा मौसम है, सामने कुछ नजर भी नहीं आ रहा। चलिए, छोटे छोटे व्लॉग्स के साथ आपको मिलती रहूंगी मैं, और गैप कोई भी नहीं डालने का मोटिव है मेरा कि रोज़ ही व्लॉग आए। वैसे तो रोज़ ही डाल रही हूँ, 1.5 साल से ऊपर हो गया, बट ये कि कभी हो गया कि मैं व्लॉग नहीं डालूँ, कभी कभी, मतलब बहुत रेयर होता है ऐसा कि गैप पड़ जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।